नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह अपने निश्चित समय पर गोचर करते हैं। इस दौरान अन्य ग्रहों के साथ मिलकर कई शुभ और अशुभ राजयोगों का निर्माण होता है, जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। बता दें कि साल की शुरुआत में मंगल अपने उच्च राशि में मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में रोचक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसका प्रभाव वैसे तो सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा, लेकिन तीन राशि के जातकों के जीवन पर विशेष रूप से इसका असर दिखाई देगा। धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं लकी राशियां कौन सी हैं। पहली है मेष राशि। बता दें कि मंगल के मकर में प्रवेश करने से बनने वाला रोचक राजयोग मेष राशि वालों के लिए लाभकारी रहने वाला है। मेष राशि के स्वामी मंगल ही हैं और इस राशि के दशम भाव में मंगल संचरण करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको काम और कारोबार में अच्छी तरक्की मिलेगी, कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इतना ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की हासिल कर पाएंगे। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपको आर्थिक स्थिति से छुटकारा मिलेगा। बेरोजगार लोगों को इस समय नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारियों को अच्छा धन लाभ होगा। अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद से जुड़े हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद है वृष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोचक राजयोग आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बता दें कि मंगल आपकी राशि के नवम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं, जिससे किस्मत का साथ मिलेगा। इस समय आपको सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। समाज में प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और धन सम्मान में वृद्धि होगी। इस अवधि में पिता और गुरु का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। काम कारोबार के सिलसिले में इस दौरान यात्रा कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जल्द पूरी होगी। तुला राशि। बता दें कि रोचक राजयोग तुला राशि वालों के लिए अनुकूल साबित होगा। बता दें कि मंगल ग्रह आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस समय वाहन और प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। मंगल के गोचर करने से पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी और भूमि से संबंधित व्यापार करने पर अच्छा लाभ मिल सकता है। इस समय आपकी प्रतिष्ठा और धन सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की के बनते योग नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में आपको प्रमोशन मिल सकता है। नौकरी का कोई अच्छा ऑफर भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।